माननीय न्यायालय ने शहर के यातायात व्यवस्था को सुधारने एक विधि सम्मत ट्रैफिक प्लान प्रस्तुत करने के लिए आरटीओ को निर्देशित किया था, जिसके परिपेक्ष में परिवहन निगम व जीटीसीएल ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्लान को प्रेषित किया तथा उसका परिपालन कराया जा रहा है, जिससे ऑटो चालक संघ के लोग असंतुष्ट हैं, जिसके चलते आज जिला परिवहन कार्यालय में बड़ी संख्या में ऑटो चालक उपस्थित हुए और आरटीओ से मुलाकात की, जिस दौरान ऑटो चालक संघ के सदस्यों और आरटीओ में काफी बहस हुई, जिसके बाद ऑटो चालक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन आरटीओ को सौंपा गया। वो भी तो आप ही ने दिया ना सर। दिया है ना हमने। आप ही ने दिया क्या रूट प्लान बनाना? हमने रूट प्लान बनाना, आप उसको चैलेंज कर दो। चैलेंज करो ना, वो जो मैंने दिया ना 1000 रुपए आरटीओ का खर्चा लगा वो तो आप ही ने लिया है ना? मैंने नहीं लिया, आपने शासन के मद में जमा किया पैसा। नहीं तो 20 कटाई रसीद कटाई आरटीओ से ही लगा है। मैंने घंटा घर में भी सर को दिया है ना, आरटीओ से लगा, हमने आरटीओ को लगा। आरटीओ ने आपको साहब ने कहा हमारी नगर निगम आरटीओ खर्चा 37,000 रुपए लगा। वो तुम जानो, डीलर जाने, यहाँ जितने की रसीद कटी उसकी बात करो। और डीलर से रिट याचिका क्रमांक 8/2013 में माननीय न्यायालय ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु एक विधि सम्मत ट्रैफिक प्लान प्रस्तुत करने के लिए हमें निर्देशित किया था, जिसके परिपालन में हमने और जीएसटीसीएल ने एक ट्रैफिक प्लान संयुक्त रूप से बना करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस ट्रैफिक प्लान का परिपालन कराया जाना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऑटो चालक संघ के कुछ लोग आए थे जो कि उस ट्रैफिक प्लान से सहमत नहीं हैं। अब चूंकि शहर की यातायात व्यवस्था में ये ऑटो की धमा चौकड़ी जो चलती है और उसका कंजेशन एक ही स्थान पर हो जाता है या एक या दो ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां पर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको सीमित करने के उद्देश्य से यह ट्रैफिक प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि ये ऑटो चालक संघ सहमत नहीं है। हम ये आप ज्ञापन देने आए थे, हमारे द्वारा ने यह समझाइश दी गई है कि आप अपनी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, अगर फर्दर माननीय न्यायालय के कोई निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होते हैं तो उनका पालन।